गली में आपके दोस्तों में यकीनन एक ऐसा दोस्त होता है जो जाके आपके घर पे शिकायत जरूर लगाता है या अपनी अम्मी को लेके आ जाता है, देखे देखे ये मेरी चीज लेके भाग गया, देखे देखे ये मुझे क्या बोल रहा था, देखे आपका बच्चा जो है मेरे बच्चे को क्या बोल रहा है, खराब कर रहा है। इसी तरह का मेरे साथ हुआ है। मेरे वालिद साहब और वालदा सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए स्नैपचैट और यूट्यूब पे मैं बातें कर रहा होता हूँ। हमारे खानदान में 20 जमालों फप्पे कुटनी एक हैं जिन्होंने मेरे वालिद साहब को आकर बाकायदा ये बताया कि देखिए ये हेडफोन शो कर रहा है और इसमें क्या हो रहा है, और बाकायदा वीडियो ला के दिखाई जिसमें मेरी ठीक ठाक चित्रौल बेइज्जती हुई। और मैं उनमें से हूँ कि भाई जितना भी बड़ा शेर बन जाऊँ, मेरा बाप अगर बोलता है वक्कार जी और सुन लो बस चुपचाप, सुन लो चाहे आप कुछ भी हो, बदतमीजी नहीं, बाप माँ के सामने चुप 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 तो मैं हो गया और मुझसे कस्में भी ली गईं। अब से सेक्स टॉक या किसी के सेक्स के हालात के बारे में नहीं मैं पूछूंगा, कोई इस तरह की गालम गलोच नहीं होगी। ये जो खातून है जो बी जमालो फप्पे कुटनी बन के आई है ना तू मेरे घर, और उन्होंने कहा कि हेडफोन शो बंद करो और ये यूट्यूब चैनल भी बंद करो, अब से होगा क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा जो पहले हो रहा था। कोई आपसे कोई ऐसे आपके बॉडी पार्ट्स के हवाले से बातचीत नहीं होगी, आप आएंगे तो आपसे कोई ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन आज रात 12 बजे से तफरियां ऐसी होंगी जो फैमिली के साथ आप देख सकते हैं, लेकिन पूरी फैमिली पेट पकड़ के हंसेगी, गिर जाएगी, टेंशन उतार देंगे, क्योंकि एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर हमारा ये काम होता है कि हम कुछ ऐसा करके दिखा दें कि जो ऐसा ना लगे कि यार अल्फाज का जखीरा खत्म हो गया है, इनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, तो इसलिए ये सेक्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने अपने वालिद साहब से वादा किया है कि बॉडी पार्ट सेक्स वैक्स ऐसी बातें नहीं, लेकिन इंटरटेनमेंट मैं करूंगा और मैं ऐसी करूंगा कि खानदान क्या ये दुनिया जहां, और खासतौर पर बीज वालों फप्पे कुटनी जो मेरे घर तुम आई हो, कजन होगी तुम या डजन डजन मैंने ना किया आज, अगर तुमने मुझसे रात तक माफी नहीं मांगी तो मैं, और ये मेरी वीडियो अगर मेरे बाप तक पहुंचाई तो याद रखना मैं आपके जो अफेयर चल रहे हैं ना खानदान में, डार्क रूम खेला हुआ है, डॉक्टर डॉक्टर जो खेला हुआ है वो सब बता दूंगा मैं। मैं बता रहा हूँ आपने मेरे मुझे जो आज बेइज्जती कराई है, मैं कसम से ना छोड़ूंगा नहीं अगर आपने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। क्या घटिया हरकत है ये, मतलब वही बात है ना, मोहल्ले में आके बोला आपके घर पे देखें क्या हो रहा है, आपे अपने घर पे देखो ना क्या मुसीबत है। तो हेडफोन शो तो होगा, जो रोकने की कोशिश की गई है वो नहीं रुकेगा, लेकिन ठीक बात है सेक्स के हाल अहवाल पे बात नहीं होगी, अब से तफरियां होंगी अनलिमिटेड, लेकिन वो जो आप अपनी अम्मी और अपनी फैमिली के साथ भी हेडफोन में सुन सकते हैं। और इस लेवल पे करूंगा ना, मैं दिखाता हूं बेटा कंटेंट क्रिएटर का जादू क्या होता है। आपको क्या लगता है हमारे पास बातें नहीं होती, इसलिए हमने ये बातें शुरू की, इसलिए की थी कि टेंशन से सबकी हालत गाली नहीं दे सकते तो हुई भी थी। तो अब से तफरियां होंगी अनलिमिटेड, और ये पता क्यों किया इस बीज वाले फप्पे कुट्टी ने, इसलिए कि इसकी दोस्त को लाइन पे नहीं लिया था मैंने, वो भी स्क्रीनशॉट, ये अजीब चक्कर में पड़ जाऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं मैंने अपने घर वालों को दिखाया, देखो ये बोल रही थी मुझे भी शो में आना है, मेरी दोस्त को लो क्यों नहीं ले रहे, जब नहीं लिया तो घर पे शिकायत लगा दी। भाई शो में आने का एक रूल है, चाहे मेरे घर वाले हो, ये पागल के बच्चे नहीं है सारे जो ट्विटर पे लगे होते हैं, मैं किसी को भी नहीं लूंगा इस तरह, और मेरिट पे रहूंगा। अब से आपने ये करना है, आज हमारा टॉपिक क्या होगा भाई, देखिए शराफत से बात करनी है ना, तो आज टॉपिक है हमारा एथिक्स क्या होते हैं सास बहू और सुहागरात के, सास बहू सुहागरात बोला है मैंने, इनके एथिक्स क्या होते हैं, आप क्या क्या नंद के ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या सास की ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या बहू की ड्यूटीज़ होती हैं सुहागरात से पहले आसपास, और उसके बाद क्या क्या रस्म व रिवाज होते हैं, कॉल करें और बताएं, और मेहंदी में आपने कैसी परफॉर्मेंस दी उसके हवाले से बताएं, अगर आपकी कोई वीडियो है जो आप समझते हैं नहीं यार हमारी मेहंदी की परफॉर्मेंस ऐसी है दिखाएं। दूसरा टॉपिक आज का ये है, आइए देखना ये है आप अपने कितने फॉलोअर्स बना सकते हैं, आपका इंस्टा अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है, कोई भी अकाउंट या कोई भी है, आपने नहीं है तो बना लें, ये मौका आपको कोई और नहीं देगा, आप आएंगे वीडियो कॉल पर आपको मैं मौका दूंगा कि अपने बारे में बताएं, तो जब ये बोलते हैं तो अपने बारे में बताओ, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या अपनी ज़िंदगी से चाहते हो, अपनी तारीफें या अपनी जो भी बात बतानी है, हॉबीज़ वगैरह बताओ, आप बताएंगे और अपना इंस्टा अकाउंट यू करके दिखा देंगे या हम उसको शेयर कर देंगे या अपना नाम लिख देंगे या जो भी आप प्रमोट, आज जो जो बंदा ये करेगा हम 24 आवर्स के बाद देखेंगे कि यहां बताने के बाद उसके रियल फॉलोअर्स कितने बने, क्या आप में ये दम था कि आपकी पर्सनैलिटी जब आप बात करते हैं तो आपके फॉलोअर्स बनते हैं, तो ये मौका मैं आज आपको दे रहा हूं, किसी भी प्लेटफॉर्म टिकटॉक शिटकॉक जहां पर भी आपने फॉलोअर्स चाहिए आएंगे, अब वीडियो कॉल पर कैसे आएंगे,
वीडियो कॉल पे आने के लिए, अच्छा और कोई और वैसे भी आप बात करना चाहते हैं कोरोना के हवाले से, मेरे पास भी अनाउंसमेंट है, वो भी कर सकते हैं। तफरियां मुझे वो चाहिए जो फैमिली को हंसाएं, पूरी फैमिली को। आज से खत्म ना वो पुरानी वीडियोस हो गई ना भाई, घर पे चित्रौल हो गई, हो गई। अब आपने ये करना है पहला स्टेप, जहां ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर मैंने कॉपी पेस्ट का पूरा एक सिस्टम बना दिया है। एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू होता ही है कि जब आप ट्वीट करते हैं तो आपके पास एक यूनिक लिंक आता है जिसको आप कॉपी करके अपने दोस्त को भी दे देते हैं कि यार लिंक तू ले ले, तू भी चला जा। अब नहीं होगा ऐसा, अब वो लिंक सिर्फ आपके पास आएगा, आपने एक दफा क्लिक किया उसके बाद वो खत्म, ब्लॉक हो जाएंगे आप, वो लिंक दोबारा यूज नहीं हो सकता। तो अब जो मेहनत करेगा सिर्फ वो वीडियो कॉल पर आएगा और उसको भरपूर मौका देंगे। अगर आप अच्छा बोल रहे होंगे तो एक एक घंटा आपसे बात करेंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है। बोर कर रहे होंगे तो अल्लाह हाफिज हो जाएंगे। अब आपने सबसे पहले जहां जो इस वीडियो पे दिए हुए ना लिंक कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही थी, ये कॉपी किया, हैशटैग वकार ज़का, हैशटैग टेनअप, ये आपने लिखना है। टेनअप का मतलब होता है दोनों हाथों से ताली मारना, एक होता है यूं जब दोनों हाथों से हाई फाई करते हैं, एक होता है हाई फाई, जब दोनों हाथों से करते हैं उसे बोलते हैं टेनअप। आपने ये कॉपी करना है, ट्विटर पे जो मैक्सिमम ट्वीट रात तक कर रहा होगा, जो सबसे ज़्यादा करेगा ऑटोमेटिक मेरा अकाउंट उसे फॉलो कर लेगा और उसके पास एक लिंक आ जाएगा। वो लिंक अगर उसने किसी और को दिया तो उस वो अगर आ गया तो ये बंदा नहीं आ सकेगा। तो आपके पास लिंक आएगा, आप क्लिक करेंगे, आप शो में शामिल हो जाएंगे। इसको सॉफ्टवेयर को और इम्प्रूव कर दिया है। कल बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे हमने बहुत ट्वीट किए नहीं है, अब तो ये जो ज़्यादा ट्वीट करेगा ये सारे ट्वीट बारी बारी कॉपी करने हैं, वन टूर कॉपी नहीं करना। ये हैशटैग भी सिंपल कर दिया है, दो हैशटैग यूज़ करने सिर्फ, और धड़ा धड़ आपने करना है। मेरा जो ट्विटर अकाउंट है वो है ज़का वकार। आज बुला लें सारी खवातीन को भी, आज बुला लें सारे बच्चों को भी, ताकि किसी को ये फील ना हो कि ये नंगी पुंगी की बातें होने वाली हैं। तफरी जो अच्छा कंटेंट क्रिएटर होगा वो नंगी पुंगी बातों के बगैर भी कर लेगा। तो आज से हेडफोन शो फैमिली के साथ दब्बा के तफरियां होंगी, जलेबी के पकोड़े के होगा, लेकिन आज एक नए तरीके से होगा। आ जाओ आज रात 12 बजे। और वो जो कजन, आखिरी चांस है तुम्हारे पास, से सॉरी प्रॉपरली, वरना आज रात शो तुम पर ही हो रहा होगा। ना मैंने दिखाए तुम्हारे डॉक्टर और डार्क रूम खेलते हुए अफेयर।